झांसी में किन्नर के एक गुट ने किन्नर के दूसरे गुट पर नकली होने और यात्रियों से मारपीट कर जबरन रुपए वसूल करने का आरोप लगाए हैं। इस मामले में किन्नर ने वीडियो वायरल कर आरोप लगाया कि कुछ नकली किन्नर ट्रेनों में सवार होकर यात्रियों से जबरन वसूली कर रहे हैं। किन्नर ने वीडियो जारी कर इसके आधार पर दावा किया कि इसमें रेल यात्रियों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। किन्नर ने ऐसे नकली किन्नरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सुनो, मेरा 500 मेरा भी 500 का चला आया है। 20 का था, 500 का था, तो गलती से 500 का चला है। मेरा भाड़ा जाने को नहीं बचेगा। जी नमस्कार, मैं बोल रही हूँ झांसी से, सनम किन्नर। क्या घटना घटित हुई है कल आपके साथ? मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, मैं कल आ रही थी ललितपुर से पुष्पक ट्रेन में, ट्रेन से मैं आ रही थी पुष्पक से, मैं झांसी आ रही थी, मैं झांसी के रहने वाली हूँ। इतने में 8-10 किन्नर जनरल कोच में चढ़ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं, उनको पब्लिक के ऊपर मारपीट कर रहे हैं। 500 लेके भाग रहे हैं। इसकी मेरे पास स्वयं वीडियो है जो मैंने आपको दे दी है। क्या हुई थी घटना पूरी? घटना ये हुई थी ना कि जो नकली किन्नर है ना, वो हमारे किन्नरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो जिसके हमें किन्नर असली और भी किन्नर हैं, इंडिया में बहुत सारे किन्नर हैं जगह जगह। तो ये लोग ट्रेन में कहाँ से चढ़े थे? इन लोग ये झांसी से ही चढ़े थे ट्रेन में, और ये जब ट्रेन खड़ी हो गई थी जब इनने मांगना स्टार्ट करा। कितने लोग थे ये कम से कम? ये कम से कम थे 10-15 लोग।